जय माँ वैष्णो। हम में से बहुत लोग अक्सर ये सोचते हैं कि माता रानी हमारी क्यों नहीं सुनती या हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इसके पीछे हो सकता है इन तीन कारणों में से कोई एक। पहला, हम जो माता रानी से मांग रहे हैं हो सकता है वो हमारे हित में ही ना हो। वैष्णो माँ तो हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जानती है, और माँ वो भी देख सकती है जहाँ की हम सोच भी नहीं सकते। हमारी कुछ मांगे हमारी खुद के लिए नुकसानदायक होती हैं। बहुत बार ऐसा देखा है कि हमारी जिद से विवश होकर माँ हमारी मांग पूरी तो कर देती है, मगर वो अधिक समय तक हमें नहीं फलती बल्कि हमारे दुख का कारण ही बनती है। इसलिए धैर्य रखें और आपकी इच्छा पूरी नहीं होने पर भी उसमें आपका ही कल्याण है। दूसरा, वैष्णो माँ की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो हर काम अपने सुनिश्चित समय पर ही करती है, और यही बात हमारी कामनाओं को पूरा करने पर भी लागू होती है। उन्हें सब पता है कि हमें क्या चाहिए और हमें कब देना है, और जब वह हमें स्वयं देती है तो वह आशीर्वाद स्वरूप होता है, और इस तरह हमारी माँ से मिली सौगात हमारा जीवन पूरी तरह बदल देती है। तीसरा, हमें अक्सर वही दिखता है जिसका हमारे पास अभाव हो। माता रानी की कृपा से जो हमें पहले से प्राप्त है उसका आभार जताने के बजाय हम अक्सर उसका तिरस्कार ही करते हैं। इस कारण भी हमारी मनोकामना पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न होती है। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई मनोकामना माता रानी पूरा नहीं कर रही है तो निराश ना हो, उसमें भी हमारा ही कल्याण है। आशा करता हूँ आप माता रानी की भक्ति मार्ग में यूं ही विश्वास से बढ़ते रहें। जय माँ वैष्णो।